విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ లో ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించిన వాల్తేర్ డిఆర్ఎం అనూప్ కుమార్ సత్పతి. విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ లో కరపత్రాలు పంపిణీ. దేశంలో ప్లాస్టిక్ వినియోగం ప్రమాదకరంగా మారింది. ఈ డివిజన్ లో ప్రయాణికులకు ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై అవగాహన ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ప్లాస్టిక్ రహిత బ్యాగులను క్యారీ చేయాలి. వాల్తేర్ డిఆర్ఎం అనూప్ కుమార్ సత్పతి. सारे ब्रांच को, ब्रांच ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट्स को मिला करके पूरा डिवीजन के ऊपर जहां तक हो सके प्लास्टिक का यूज हम बंद कराने की कोशिश करेंगे. और उसमें भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है फर्स्ट फेज में हम डिस्करेज करेंगे पब्लिक को, पैसेंजर्स को, हमारे स्टॉल वालों को, वेंडर्स को कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ना करें. सिंगल यूज़ प्लास्टिक जा करके हमारे ड्रेनेज को चोक करता है, गंदगी फैलाता है, पॉल्यूशन फैलता है उसमें, और बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के कारण फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है. हर जगह में आपको बहुत जगह गंदगी दिखाई देता होगा शहर में प्लास्टिक के कारण. तो प्लास्टिक पूरा हटाना, प्लास्टिक अभी हमारा जीवन का पार्ट बन गया है, इसको पूरा हटाना डिफिकल्ट है, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिड्यूस इट्स यूज एंड व्हाट एवर आर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वी विल ट्राई टू फॉलो देम ऑल ओवर द डिवीजन. तो ये कैंपेन हम शुरू किए हैं, इस कैंपेन को हम आगे लेके जाएंगे. हर डिवीजन में ये कर रहे हैं हम लोग, अपने डिवीजन में कर रहे हैं, वाल्टर डिवीजन में ऑल स्टेशंस एंड विल स्टार्ट विद द मेजर स्टेशंस. हम पब्लिक को काउंसिल करेंगे, विल इंसिस्ट आवर वेंडर्स ऑल्सो एंड स्टॉल ओनर्स नॉट टू यूज सिंगल यूज प्लास्टिक एंड विल हेल्प देम टू स्विच ओवर टू अदर फॉर्म्स, कॉटन बैग्स, जूट बैग्स एटसेट्रा. थैंक यू.